आपका स्वागत है हमारे वीडियो में। और ये देखिए, अभी हम पिछला वीडियो बनाते हैं उसके नेक्स्ट डे का बना रहे हैं, 16वां दिन का, जो हमारे यहाँ घर पे आए हुए हैं नन्हे मेहमान सोना और सोनी। तो ये देखिए, अभी हमने खाना बनाया है। मैं ये वीडियो आपको स्पेशल बनाना चाह रहा था कि आप लोग देखिए कैसे हम लोग खाना खिलाते हैं। और ये खाना बस जैसे देखिए, ये देखिए कितनी हरकतें तेज हो गई इनकी। थोड़ा सा एक मिनट, ज़रा से इसको और पीछे रखा जाए। और गाइस, ये इसमें हम लोग नहीं रखते हैं, इनके लिए हमने स्पेशल घोंसला बना रखा है, तो हम उसमें रखते हैं। वो भी मैं आपका वीडियो उसका भी दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए अभी कैसे खाने के लिए टूट पड़े हैं हमारे नन्हे मेहमान। ये देखिए कितना तेज़ी से खा रहे हैं सब, बस जैसे लग रहा कि बस एकदम टूट पड़ गए हैं, सारे चम्मच चम्मच खा लेंगे ये। और ये देखिए, ये पेट्स लाइफ हैंड फीडिंग फार्मूला हम जो ले आए हैं अमेजोन से, बस वही खिलाते हैं। और ये मैं आपको उसका ये दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये यही वाला है जो हम इसको खिलाते हैं। और ये देखिए, मेरी मैडम खिला रही हैं और एक मेरी बिटिया है वो खिला रही है। तो ये देखिए, देखिए कितना तेज़ आवाज़ निकल रहा है इनका। गाइस देखिए, आप लोग भी पेट्स ले आइए, तो पैरेट अगर ले आते हैं छोटे बच्चे, तो कैसे इनके देखभाल करना है, कैसे करना है, बहुत ही केयर करना पड़ता है गाइस। समझ लीजिए, अपने बच्चों से भी ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है, तो क्योंकि ये बेजुबान जानवर पंछी होते हैं, तो इनको बड़ा ध्यान देना पड़ता है। कि हम लोग तो इतना ध्यान देते हैं कि ज़रा सा खुजली हो जाए या ज़रा सुस्त हैं तो बस हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन इनको बस ये ध्यान देना कि इनकी पोटी जो है सही तरीके से हो और खाना ये खाएं, बस इस चीज़ों पे ध्यान। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आप अपने घर में पैर चला रहे हैं, छोटे बच्चों को ले आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से देखभाल कर सकते हैं। और बिल्कुल दिस इज़ द ट्रू वीडियो, बिल्कुल सही वीडियो है ये। इसमें कोई भी वो नहीं है कि हम आपको फर्जी बड़ा दिखा रहे हैं कि नहीं ऐसे वैसे, जो भी है सच है कैसे देखभाल करते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल, बहुत आराम से आप जो है बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू वेरी मच।